पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। हाल ही में दोनों के बीच हुई गोलीबारी के बाद तोरखाम बॉर्डर को सील करना पड़ा है। पूरा मामला क्या है बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान में चरमपंथी हमले तेज हो गए हैं। टीटीपी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय एक चरमपंथी संगठन है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इसके चलते अक्सर दोनों मुल्कों में टकराहट देखने को मिलती है। दोनों देशों के बीच भीषण गोलीबारी हुई, इसके बाद तोरखाम बॉर्डर को सील कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के सीनियर अफसर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और मसले को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ने वाली तोरखाम बॉर्डर पर गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी थी, इसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर को लेकर काफी लंबे समय से विवाद चला रहा है। तोरखाम बॉर्डर से ही दोनों देशों के नागरिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आते जाते हैं। ये पहली बार नहीं है जब बॉर्डर को सील किया गया हो। इससे पहले इसी साल फरवरी में भी तोरखाम बॉर्डर को बंद किया गया था, जिसके कारण हजारों ट्रक दोनों ओर सीमा की तरफ फंस गए थे। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों के बीच जंग छिड़ेगी। दरअसल पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान के आतंकी उसकी सीमा पार करके आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं, तो वहीं इस पर तालिबान का दावा है कि उनकी सत्ता आने के बाद इस पर काबू पाया गया है। दरअसल अफगानिस्तान में जब से तालिबान सत्ता में आया है तभी से दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं हैं। बीते साल अप्रैल में पाकिस्तान सेना ने अफगानिस्तान के खोस्त और कुनार में एयर स्ट्राइक कर तालिबान के 36 लोगों को मार दिया था। हालांकि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की घटना होने से इनकार किया था, लेकिन बॉर्डर सील होने के बाद तनाव गहराने की आशंका जताई जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।